फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं अंजलि शर्मा, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। वहाँ से चिढ़ा रहा है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और सब लोग नाश्ता कर चुके हैं, बस मैं ही रह गई हूँ नाश्ता करने के लिए। वही करने जा रही हूँ। मैंने बनाए थे आज मूंग की दाल का पकौड़ा, आलू मिक्स करके, छोटे छोटे आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रखा है मैंने। ये देखो आ गए, ये देखो शैतानी करने, इनको बस एक ही काम है मुझे परेशान करना, दूसरा कोई काम ही नहीं है इनको। देखो 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 पीछे से देखो हालत है। आज भाई साहब ने खाना भी बनाया है, क्या राजमा चावल, राजमा फ्राई करके रखा है मैंने, बॉईल करके रखा था। देखो पीछे से बाल क्यों खराब कर रहा है मेरा, कौन सा भी देखो देखो अब सही कर लिया है। देखो हालत देखो इनकी, परेशान करके रख देता है पूरे दिन मुझे। आज इसने खाना बनाना सीखा है, मूंग की दाल के पकौड़े बनाए थे आलू डाल के, चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं उसमें, बन गए। अब मैं खाऊंगी, ये सब लोग खा चुके हैं। अब ना बोला के पापा नाश्ता कर चुके हैं, मैं ही रह गई थी अकेली, तो मैं अब नाश्ता करने जा रही हूँ। वैसे मैं पकौड़ा वकड़ा कम ही पसंद करती हूँ, लेकिन ये लोग खाते हैं तो फिर खाना पड़ता है, नहीं तो फिर ये लोग भी नहीं खाते हैं, कहते हैं हमें भी नहीं खाना, नहीं खाओगी तो इस चक्कर में खाना पड़ता है। आप चाहें तो प्याज डाल सकते हैं इसमें, कुछ ज़्यादा नहीं है, लाल मिर्च, हरी मिर्च, नमक, जीरा, अजवाइन और प्याज और आलू छोटे छोटे बारीक बारीक काट के मिक्स करके इसमें, दाल को रात को मैंने भिगो दिया था सुबह मिक्सी में पीस के, फिर मैंने बनाए हैं। बहुत टेस्टी होते हैं, कभी आप ट्राई कीजिएगा, दिखाती हूँ मैं आपको। अभी ना बना रहे हैं राजमा, फ्राई करेंगे। तेल गरम कर लिया है, ये टमाटर और मिर्च हरी काट के रखा है मैंने, क्योंकि अभी ना काट नहीं पाते हैं। डाल दूँ? डालो डालो, थोड़ा दूर दूर से दूर हो जाओ। हाँ, प्याज नहीं डाला, जीरा भी नहीं डाला। तो जीरा डालेंगे तो फिर जीरे की आएगी, फिर अच्छा नहीं लगता, प्याज पड़ेगी। चला अब नहीं आएंगे छीटे, चलाते ना। लो ये लो, हल्दी डालो आधा किलो, इतना। हाँ इतना आधा, और थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आधा करो। अयो और कम करो, और कम करो, इतना। हाँ डालो, नमक डालो, पहले हल्दी अच्छी तरह से चला लो, ना बाद में रख देंगे। मिर्ची डालो, पहले नमक डालो, हल्का नमक डालना, क्योंकि नमक इसमें पड़ा हुआ है पहले से, बॉईल करने के टाइम डाला था। पहले ये नमक डालो, इतना। हाँ डाल दो, हरी मिर्च भी पड़ी है। नमक डालो, इतना। हाँ नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि कम ज़्यादा तो इसमें कोई वो नहीं है। लो धनिया डालो, देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, टमाटर का। मैगी मसाला डाल दो और अच्छा आएगा। पहले अभी इसको डालो, मैगी मसाला में बड़ा कलर आए। इतना? हाँ डालो, इतना। हाँ डालो, अब इसको चलाओ, टमाटर गल जाए अच्छे से, फिर इसको अच्छी तरह से करना है। मतलब क्या है? कुछ नहीं। फिर
कंटेंट लूटने का मतलब क्या हुआ भाई? हो गया टमाटर पिस गया? नहीं पिसा पूरा। अच्छे से कर दो तो। खुद को हाथ लगाना होता तो मुझे बुलाती क्यों? नहीं नहीं लगाना नहीं, तुमसे हो नहीं पा रहा। तो मैं कर तो रहा हूँ, छोड़ो मैं कर रहा हूँ, हटो छोड़ो। तब तक इसको करो, तब तक ये राजमा बॉईल करके रखा है, अब इसको इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। पहले ओके कैसे डालू? गंदा पानी। गंदा कहाँ? इसको करो सही से, इसमें से निकालो। हो गया, चलाओ इसको अच्छी तरह से, दो मिनट इसको बॉयल होने दो। पहले तो पतला यार आपने, और पतला कर दिया। पतला हो गया? और क्या देखो। नहीं पतला नहीं है, सही हो जाएगा। गरम मसाला डालना है इसमें, अमचूर डालना थोड़ा। सही हो जाएगा, ये भी छोटा नहीं बॉयल होगा तो। अब इसमें अमचूर और गरम मसाला डालो। अगर मैं गरम मसाला को रखा उधर, उसमें थोड़ा ही ऊपर से और निकालना पड़ेगा। तो इतने से नहीं होगा? हो जाएगा, इतना पूरा डाल दो। ज़्यादा है क्या? हाँ इतना ही डालो बस। ट्रेंड अबे उतर जा। और वो का अमचूर? अमचूर ये रहा ला। हाँ जी कितना डालू बताओ? बता रही हूँ डालो तुम। बस 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 थोड़ी ज्यादा खट्टी करने का मूड है। बस बस हो गया, रहने दो, हो गया। बहुत खट्टी हो गई। तेज कर दो गैस, उबल जाएगी जल्दी। कच्ची भी गर्म होगी बताओ। ऐसे रखे रखे राजमा बन चुका है, अभी ने बनाया, देखते हैं कैसा बना है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बने रहिए हमारे वीडियो में। चटनी से खाइएगा, हरी चटनी से। मुझे चटनी पसंद नहीं है हरी, तो मैं इसलिए नहीं खाती हूँ। मीठी चटनी पसंद है, मीठी चटनी से खाती हूँ मैं। सॉस के साथ या कैसे भी खा सकते हैं। वापस आ गई हूँ व्लॉग में। आप सब कैसे हैं? आज संडे है तो संडे के दिन तो सभी बिजी रहते हैं करीब करीब। हम भी आज बिजी थे, पर इतने ज़्यादा बिजी नहीं थे क्योंकि आज मेरा खाना बनाने में हेल्प करी अभिनव ने। आज अभिनव ने राजमा बनाया है, मैंने बॉईल करके रखा था, उसने बना दिया है। सुबह मैंने नाश्ता में मूंग की दाल का पकौड़ा बनाया था आलू डाल के, क्योंकि अभी सावन के मंथ में हम लोग प्याज नहीं खाते, तो इसलिए प्याज नहीं मिलाई थी, मिक्स की थी। जबकि प्याज मिक्स करके आप कभी ट्राई करके देखिएगा, है ना, उसमें बताया है। जैसे भी आप कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताइए। हमने जैसे बनाया है एक बार खा के देखिए, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। मैंने भी काफ़ी दिन बाद बनाया था, काफ़ी दिन से ऐसा हो रहा था कि बनाने का मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी, गर्मी की वजह से। आज संडे था, पतिदेव की छुट्टी थी, जबकि वो संडे को भी ऑफिस चले जाते हैं ज़्यादातर, लेकिन आज नहीं गए थे। तो मैंने सोचा चलिए आज सुबह नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ता बनाया, अच्छा लगा, काफ़ी दिन में खाया। तो वैसे मैं पकौड़ा वकौड़ा कम ही खाती हूँ, ये ज़्यादा खाते हैं आजकल। अभिनव को थोड़ा इंटरेस्ट हो रहा खाना बनाने में, कुछ कुछ बना लेता है वैसे, पास्ता मैगी और ये चावल फ्राई कर लेता है। आज राजमा भी फ्राई किया है, देखिएगा आप सब लोग कैसे बनाया उसने, काफ़ी टेस्टी था खाया। तो चावल मैंने बना दिए थे, तो आज पतिदेव कह रहे थे कि आज नहीं रोटी नहीं खानी है, आज चावल खाना है बस खाली।
तो चावल ही बनाए थे और गए हैं किसी काम से, आएंगे, अभिनव गया है घूमने, उसका फ्रेंड के आई फ्लू रखा था, अब ठीक है तो उसके साथ घूमने गया है। देखते हैं कितनी देर में आते हैं ये लोग। और मेरा चाय वगैरह बनाने का मन नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि कोई है नहीं, अब आएंगे तब चाय बनाऊंगी, तब चाय पियेंगे। और आप लोग बताइएगा बारिश वारिश हो रही है कि नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं हो रही है, मौसम में काफ़ी गर्मी है। और आप लोग कैसे हैं, छुट्टी का दिन कैसे कटता है सबका? अच्छा ही होता होगा वैसे तो, क्योंकि बच्चे बच्चे की छुट्टी रहती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, घर में सब लोग होते हैं तो, नहीं तो अकेले ना तो कुछ खाने का मन करता है और ना कुछ। तो आज हमारा भी दिन अच्छा गया है क्योंकि सब छुट्टी में थे तो अच्छा लगता है, थोड़ा घर में बातें बातें भी हो जाती हैं, थोड़ा और एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो ऐसे करके मेरा तो कोई काम नहीं हो पाता है संडे के दिन, लेकिन इन लोगों का काम हो जाता है तो ये लोग खुश हो जाते हैं। अभिनव भी और अभिनव के पापा भी खुश रहते हैं, तो पूरे दिन घर में बातें बातें करते रहते हैं आपस में। अभिनव ज़्यादा सतानियाँ करता है, आज मुझे बहुत तंग कर रहा था दिन में, मैं कुछ कर रही थी तो बार 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 मेरे बालों को वो कर रहा था, उलझा रहा था, कह रहा था सुलझाने में टाइम लगेगा, व्यस्त रहोगी थोड़ी देर, ऐसे परेशान करता है छोटे बच्चों की तरह, क्या करूँ। चलिए अभी हमारा तो खैर छोटा ही बच्चा है अभी, हमारे लिए तो हमेशा ही छोटे रहते हैं बच्चे, तो माँ बाप के लिए हमेशा ही छोटे रहते हैं। हाँ बस इतना ही आज के ब्लॉग में, बस लाइक कमेंट शेयर कीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग वीडियो देखा करिए हमारा अच्छा लगे तो, और बताइए कमेंट करके कैसा था, कैसा आज का राजमा अभिनव ने कैसा बनाया, टेस्ट तो नहीं करा सकते हम लोग आपको, आइए कभी खाने तो देखते हैं। अब बस आज का वीडियो बस इतना ही, थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद। सारा घर फैला पड़ा है, पूरे बर्तन वर्तन सब, आज करने का मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी, छुट्टी वाले दिन काम ही नहीं हो पाता है।